मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो भी माननीय सदस्य हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के वो उपस्थित हुए और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी थी RJD में, और कल जो है देर शाम तक RJD की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में खास बात ये रही और दिलचस्प बात ये रही कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से कई चर्चाएं जो हैं बिहार में राजनीति में जो है वो चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल RJD के तरफ से राज्यसभा के 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की बैठक बुलाई गई थी संसदीय बोर्ड की। इसमें मीसा भारती मौजूद रही, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रही, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहे और नेता के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। तेज प्रताप यादव के मौजूदगी में जो है जो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की मौजूदगी रही, ऐसे में कई जो है वो चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई। हालांकि इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शामिल होना था, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शामिल होना था, लेकिन ये दोनों जो हैं अनुपस्थित रहे। इनके अनुपस्थिति में ये मीटिंग की गई और मीटिंग की अध्यक्षता राबड़ी देवी कर रही थी। हालांकि जब वो अब्दुल बारी सिद्दीकी बाहर निकले तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि ये मीटिंग जो है वो इसका फैसला, यानी कि राज्यसभा के 2 उम्मीदवार के नामों का फैसला RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। उसके बाद मीसा भारती से जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दूसरी मीटिंग में शामिल होने गए थे। लेकिन एक जो चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा रही देर शाम में, कि जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था पूरे मीटिंग का, कई मीडिया एजेंसी को जो है कहा गया कि इस प्रेस रिलीज को रद्द किया गया है, यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कल जो बैठक हुई वो किसी प्रकार से कहीं पे भी सफल बैठक नहीं रही। चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शामिल होना था लेकिन तेज प्रताप यादव शामिल रहे। उसके बाद तेज प्रताप यादव के समर्थक जो थे, छात्र जनशक्ति परिषद के जो कार्यकर्ता थे, वो तेज प्रताप यादव के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहे थे। ऐसे में कई जो है चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव के शामिल होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों गायब हो गए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्यों गायब हो गए। हालांकि ये मीटिंग को रद्द करने की भी जानकारी दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव इस पूरे मसले पर किसका नाम जो है वो लेंगे। हालांकि सवाल किया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी से, क्या तेज प्रताप यादव राज्यसभा जाएंगे, ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये फैसला अब RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करना है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और मीसा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो भी माननीय सदस्य हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के वो उपस्थित हुए और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है और विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया और संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है। जी अब ऐसा है कि जब मैं कौन लोग उम्मीदवार हैं कौन नहीं उम्मीदवार हैं वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंसिडरेशन पे है। जो राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें चर्चा के बाद यही प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत किए जाते हैं। क्या क्या मीटिंग में हुआ, सब लोग को बता दिए, मैडम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे, अब आप ही बताएंगे, जो लोग उपाध्यक्ष हैं वो लोग सिद्दीकी अंकल ही बताएंगे। लक्ष्मी जी नहीं पहुँचे, वो कोई और मीटिंग में, कोई और
कटिंग है। तो सुन, आपने स्पष्ट रूप से अब्दुल अरीज सिद्दीकी ने क्या दिया है कि इसका फैसला लालू प्रसाद यादव करेंगे, और मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी यादव दूसरे मीटिंग में शामिल थे। लेकिन बड़ा जो सवाल था, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्यों नहीं शामिल हुए? जो तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच में जो चर्चाएँ जो चल रही थी, क्या अभी तक आरजेडी परिवार में कलह समाप्त नहीं हुआ है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्यसभा के दो नामों की जो घोषणा है वो लालू प्रसाद यादव करेंगे। अब वो दो नाम क्या होंगे? हालांकि एक नाम मीसा भारती का आ रहा है, उनका जाना क्लियर है, लेकिन दूसरा नाम किसका है ये अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम लगातार इससे जुड़ी खबरें हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए NBC के साथ में, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, और अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।